नमस्कार, मैं राकेश मावई जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुरैना एवं विधायक मुरैना, आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, आप लोगों पर भी जा रहे हैं, क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का जीवंत काल से सफाई हूं और मैंने कांग्रेस के लिए सेवा की है और विगत मैं 12 वर्ष से कांग्रेस का जिलाध्यक्ष के रूप में साथ साथ मैं कांग्रेस का विधायक हूं। अब चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग में गुर्जर समाज का इकलौता मैं विधायक हूं और कांग्रेस का, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के गुर्जर समाज के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बड़ी अपेक्षा है मेरे से। इसी क्रम में ग्वालियर नगर निगम के वार्डों के सूची जारी हुई कांग्रेस की, जिसमें वार्ड क्रमांक 21 से श्रीनिवास गुर्जर को टिकट दिया गया, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने, जिसका गुर्जर समाज ने उसका स्वागत किया और कमलनाथ जी का आभार किया, लेकिन इस टिकट को बदलने के लिए यहां एक स्थानीय विधायक और महापौर प्रत्याशी द्वारा उन पर दबाव बना गया। ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों के मुझ पर फोन आए कि ये सब टिकट चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कमलनाथ जी से कहा कि आपने टिकट दिया है, समाज ने आपका स्वागत किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये कांग्रेस ये टिकट को आप बना रहने ये जीतेंगे और महापौर भी हमारे जीतेंगे। लेकिन उसके बावजूद ही इनको हटाने का जो वो किया, मैंने 3 लाइन की मैंने कुछ चिट्ठी आदरणीय कमलनाथ जी को भेजी है कि मैंने निवेदन किया है कि कांग्रेस में मैं कांग्रेस का सिपाही हूं तो समाज की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा हमारे महापौर के चुनाव पर इसका असर होगा और हमारे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। मैं आदरणीय कमलनाथ जी की चिट्ठी का जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं निश्चित तौर पर, और जब जवाब आ जाएगा तो आगे रणनीति का मैं खुलासा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।